हेलो एवरीवन, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया की क्या पोजीशन रही, कितने खिलाड़ियों ने कौन कौन से मेडल जीते और कौन कौन से गेम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की पोजीशन की। तो इंडिया ने 71वीं पोजीशन इसमें हासिल की है, टोटल 6 मेडल जीत कर, जिसमें 0 गोल्ड मेडल जीते हैं, मतलब गोल्ड मेडल कोई नहीं जीता है, 1 सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, इनका गेम था एथलेटिक्स मेंस जेवलिन थ्रो, 5 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं, जिनमें से 1 ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने जीता है शूटिंग वोमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में, दूसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कौशल ने जीता है शूटिंग मेंस 50 मीटर राइफल में, तीसरा ब्रॉन्ज मेडल हॉकी टीम ने जीता है, इसके कैप्टन थे पीआर सिरजेश, चौथा ब्रॉन्ज मेडल अमन सहरावत ने जीता है रेसलिंग मेंस में 57 केजी कैटेगरी में, पांचवा ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर और सरबजीत सिंह, इन्होंने मिक्स 10 मीटर कैटेगरी में जीता है, ओपनिंग फ्लैग बैरियर थे पीवी सिंधु और शरद कामत, क्लोजिंग फ्लैग बैरियर थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। अगर पिछले ओलंपिक्स की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया की पोजीशन थी 48, जिसमें 7 मेडल्स इंडिया ने जीते थे, इनमें 1 गोल्ड मेडल था जिसको जीतने वाले थे नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स मेंस जेवलिन थ्रो में, जिन्होंने अब की बार सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो में 2 सिल्वर मेडल इंडिया ने जीते थे, जिनमें से 1 जीता था मीराबाई चानू ने वोमेंस 49 केजी वेट लिफ्टिंग में, दूसरा सिल्वर मेडल जीतने वाले थे रवि दहिया 57 केजी मेंस रेसलिंग में, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था पीवी सिंधु ने वोमेंस बैडमिंटन, दूसरा था लवलीना वोमेंस बॉक्सिंग, तीसरा बजरंग पुनिया रेसलिंग, चौथा कैप्टन मनप्रीत सिंह मेंस हॉकी टीम। इसके अलावा अगर बात करें कि पहले ओलंपिक के गेम्स कहाँ हुए थे, तो वो हुए थे एथेंस नामक शहर में 1896 में। अगले ओलंपिक कब होने वाले हैं, ये होंगे 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।